हेलो वेलकम बैक एंड लेट अस कंटिन्यू विद आपके डिफिशंसी सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं एंड व्हाट आर एलिमेंट जिसकी वजह से देखने को मिलते हैं सो so, पहला आपके पास आ जाता है क्लोरोसिस ओके एंड क्लोरोसिस क्या होता है कि क्लोरोफिल का लॉस होना इज कि पत्तियाँ पीली होना शुरू हो जाएंगी या पीली होती हुई आपको दिखेंगी सो so, ये सिम्टम आपको कब दिखेगा एक तो कॉमन सेंस आ रही होगी दिमाग में जब क्लोरोफिल बनी नहीं रही होगी राइट right? उसका लॉस हो रहा है राइट right? सो so, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप मैच कर पा रहे हैं जो क्लोरोफिल में हेल्प करते हैं बनने में तो वो यहाँ पे पक्का आएंगे राइट एंड दे वर आयरन मैग्नीशियम देन नाइट्रोजन देन पोटाशियम सल्फर ये जो आपके मीनस जो स्ट्रक्चरल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो मेजर पार्ट हो गए राइट right? जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में पाया जाता है पोटेशियम हो गया राइट right? मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम से तो वो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर सॉरी क्लोरोफिल का बनता है देन सल्फर हो गया एंड आयरन आयरन एक पार्ट है किसका क्लोरोफिल का ओके okay? देन आपके पास मैगनीज जिंक एंड मोलीबीटनम आपको याद रखना पड़ेगा एक और चीज़ है दूसरा मीन्स दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ नेक्रोसिस नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू ओके पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू ये भी याद रखना है पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू ओके सो नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ टिश्यू मींस टिश्यू जो है वो मरने लग जाता है एज द नेम सजेस्ट सो ये किसकी वजह से होगा कॉमन सेंस अगेन कैल्शियम की वजह से कैल्शियम जो कि बिल्डिंग ब्लॉक टाइप होता है राइट मैग्नीशियम की वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम देन कॉपर एंड देन पोटेशियम ओके देन एक और चीज़ है दैट इज आपका लैक और लो लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन पोटाशियम सल्फर एंड मोलीबिटनम एक आपका जो सेल डिवीजन है उसका इनिबिशन करते मतलब सेल को डिवाइड नहीं करने देती अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जब हमने रोल पढ़े थे किसके मोलीबीटनम के सल्फ़र के पोटाशियम के नाइट्रोजन के तो इनमें आ रहा था कि सेल को डिवाइड करने में डिफ्रेंसीेशन करने में या मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में ये काम आते हैं राइट सो सेम ही बात है अगर इनका कम लेवल होगा या होंगे ही नहीं है तो सेल डिवीजन में आपका इनिबिशन शो होगा राइट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि एन दैट इज़ नाइट्रोजन देन सल्फर देन मोलीबीडनम जो कि फ्लावरिंग को डिले करते हैं राइट अगर उनका कंसनट्रेशन लो होता है ओके सो रिपीटिंग वंस अगेन फ्लावरिंग को डिले करवाते हैं तीन एलिमेंट लाइक फ्लावरिंग डिले का आपको सिम्टम दिखता है तीन एलिमेंट की अगर कमी होती है तो कंसनट्रेशन दैट इज़ नाइट्रोजन सल्फ़र एंड मोलीबीटनम अगर इनिबीशन ऑफ सेल डिविजन हो रहा होता है सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो वो किसकी वजह से हो सकता है आपका सल्फर मोलीबीटनम पोटाशियम एंड नाइट्रोजन की वजह से अगर आपका क्लोरोसिस हो रहा होता है दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल है राइट तो वो किस किस की वजह से होंगे वो एलिमेंट्स हैं आपके नाइट्रोजन पोटाशियम मैगनीशियम सल्फर एंड आयरन मैगनीज सिंक एंड मोलीबिटनम ठीक है अगर आपका नेक्रोसिस जो चौथा आपको डिफिशियंसी यू नो you know, चौथा या डिफिशियंसी सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है प्लांट में जिसे लॉस ऑफ टिश्यू का आएंगे राइट तो वो किसकी वजह से होंगे कैल्शियम कॉपर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम राइट एक बार अगर इसको लिख कर याद कर लिया जाए कहीं पे चिपका दिया जाए तो ये याद हो जाता है नॉट दैट बड़ी कोई चीज़ है इट कम टू टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओके सो वेट अ मिनट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट में हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन देखा जहाँ पे कंसंट्रेशन एक एसेंशियल एलिमेंट का अगर उससे कम हो जाता है राइट क्रिटिकल कंसंट्रेशन से तो उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी उसके बाद आपके मोफोलॉजिकल चेंजेस जो है वो इंडिकेट कर देते हैं कि, कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो है वो डिफिशियंसी हो चुकी है राइट right? कौन सी पत्तियों पे आपको पहले देखने को मिल जाते हैं डिफिशियंसी सिम्टम ये डिपेंड करता है कि कौन से वाले जो आपके एलिमेंट है उसकी डिफिशियंसी हुई है एज इन जो आपके नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है ये यंगर पार्ट्स की तरफ ज़्यादा आते जाते रहते हैं लाइक like, मोबाइल हैं एक जगह नहीं रुके हुए हैं राइट सो इनके डिफिशेंसी की जो शिकायत है वो कहाँ से आ सकती है ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से वहीं कैल्शियम एंड सल्फर बीइंग दी कंपोनेंट दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल ये इजीली मोबाइल नहीं होते रिलीज़ नहीं होते ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही बैठे रहते हैं इसलिए ये यंगर पार्ट्स की तरफ नहीं जा पाते एंड उनमें मेजरली जो डिफ़ीशेंसी शो होती है वो सल्फ़र है कैल्शियम की ही होती है देन कमिंग टू डिफिशियंसी सिम्टम्स किस किस की वजह से कौन से कौन से होते हैं फ्लावरिंग में डिले होता है नाइट्रोजन सल्फर एंड मोलीबिडनम की वजह से इनिबिशन अफसिलडिबिशन होता है नाइट्रोजन मोलीबिडनम सल्फर एंड आपका पोटाशियम की वजह से नेक्रोसिस लॉस ऑफ टिश्यू कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर एंड पोटाशियम देन क्लोरस येलोइंग ऑफ लीव्स राइट दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन पोटासियम मैग्नीशियम, सल्फर आयरन मैगनीस जिंक एंड मॉलीबीटन ओके टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आए देन तो उसमें आ जाएगा कि एज़ वी नो कि हाँ माइक्रोन्यूट्रिय बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं राइट पर उनका भी डिक्रीज जो है वो डेफिशियसी दिखा सकता है ना इंक्रीज भी डिफिशियंसी टॉक्सिसिटी दिखा सकता है सॉरी राइट सो so, एक नैरो रेंज कंसन्ट्रेशन होता है हर एक एलिमेंट का जो ऑप्टिमम मीन्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा उससे ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक है उससे कम हो गया तो डिफिशियंसी है राइट सो एनी मिनरल आयन कंसनट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाई टेन परसेंट इज कंसिडर्ड टॉक्सिक ओके सो ऐसा कोई भी मिनरल लाइन का कंसनट्रेशन जिसकी वजह से ड्राई वेट ऑफ दी टिश्यू दस परसेंट से रिड्यूस हो जाता है वो टॉक्सिक होता है राइट सो टॉक्सिसिटी लेवल जो हैं वो आपके डिफ़िकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए राइट right? क्योंकि हर एक एलिमेंट का हर एक प्लांट में होना पक्का नहीं है एंड हर एक प्लांट में हर एक एलिमेंट कितना पाया जाएगा उसका क्रिटिकल कंसनट्रेशन भी अलग चीज़ होगी एंड मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट राइट एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि दूसरे एलिमेंट्स कितने हैं उसमें राइट सो फॉर एग्जांपल कि जो आपका मैगनीज टॉक्सिसिटी जो है वो ब्राउन कलर के आपके स्पॉट्स देती हैं कहाँ पर क्लोरोटिक वीन्स पे प्लांट की लाइक लीव्स की क्लोरोटिक वीन्स जो है वहाँ पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं मैगनीज़ की टॉक्सिसिटी की वजह से अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट करने के लिए कि क्या मैगनीज़ आपके आयरन के साथ कंपीट तो नहीं कर रहा है बोथ आर वाट बोथ आर माइक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट्स राइट बोथों का जो एक किसी पर्टिकुलर प्लांट में कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है राइट right? या फिर फिर मैग्नीशियम के अपटेक के साथ तो नहीं छेड़छाड़ हो रही है किसकी वजह से मैगनीस की वजह से तो हम उसको कह सकते हैं क्या टॉक्सिक है राइट सो so मीनस बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम कहेंगे कि माइक्रोन्यूट्रेंट जो है वो टॉक्सिक है जैसे कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी जो है क्लोरोटिक वीन पे आपको ब्राउन कलर की स्पॉट्स की अपीयरेंस देगी अब हमें चेक करना है क्या वो आयरन के साथ कम्पीट कर रहा है क्या वो मैग्नीशियम के साथ अपटेक के लिए कम्पीट कर रहा है राइट मैग्नीज कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन बीशू टैपेक्स में जो है इनहिबिट करता है राइट सो एक्सेस ऑफ मैग्नीज जो है मींस वो आयरन uh, के मैग्नीशियम का कैल्शियम का काम रोक देता है देयरफॉर उनकी डिफिशेंसी शो करता है सो so, देयरफॉर हमें एक चीज़ को टॉक्सिक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को टॉक्सिक बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है राइट एंड एंड दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज हेयर यहाँ पे एग्जांपल से सिखाया है कि आपको मैगनीज के अगर डिफिशंसी सॉरी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो होता क्या है पहली चीज़ आपको क्लोरिटिक वीन पर जो है ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखेंगे एंड दूसरी चीज़ क्योंकि मैगनीज अगर ज़्यादा हो गया तो वो मैग्नीशियम आयरन एंड कैल्शियम का काम रोक देता है राइट right? उनकी डिफिशेंसी ला देता है सो so, वो भी उसका एक पॉइंट है कि टॉक्सिक हो गया तो प्लांट बॉडी में ये फ़र्क पड़ेगा अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट पे वेरी कॉमन राइट हमने अपना एबजॉप्शन पढ़ रखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्पन में सो so, इसकी स्टडी इज़ रियली इजी ओके सो एपोप्लास्ट क्या होता है एपोप्लास्ट होता है सेल की जो साइड की लेयर्स होते हैं सेल में होती हैं राइट बाउंड्रीज होती हैं उनमें फटाफट या आउटर स्पेस होता है सेल का उनमें फटाफट जो आयन है अपटेक हुए एंड देन बिना किसी एनर्जी के ज़्यादा एक्सपेंडिचर के सीधा वो अंदर चले गए दिस इज़ अ रैपिड प्रोसेस एंड ए पैसिव प्रोसेस होता है कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं वहीं सिम प्लास्ट क्या होता है सिम प्लास्ट होता है कि एंट्री होगी एग्जिट होगा आयन्स का वो अक्रॉस दी आपका जो सेल है उससे होगा राइट right, एंड वहाँ पर एनर्जी की भी एक्सपेंडिचर होगी देअ एक्टिव प्रोसेस होता है राइट नाउ व्हाट इज फ्लक्स फ्लक्स होता है मूवमेंट ऑफ आयंस ओके अब फिजिक्स मत यहाँ पे लाना जो इलेवेंथ सॉरी ट्वेल्थ ग्रेडर्स है राइट right? यहाँ पर बायो वाला फ्लक्स चल रहा है सो इन फ्लक्स होता है इन कमिंग इन ऑफ द आयंस एंड ई फ्लक्स होता है गोइंग आउट ऑफ द आयन सिंपल बस दो तीन टर्म्स थे यही हमें पता होने चाहिए थे देन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स तो ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट इन्होंने बड़ा बड़ा लिख रखा है मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो जइलम के द्वारा होते हैं एंड अलॉन्ग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर जो आपने ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी में भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर इलेवन में सिंपल असैट देन सॉयल एज अ रिजर्वायर ऑफ असेंशियल एलिमेंट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन वाई सो बिकॉज दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ थोड़ा सा यू नो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जा रहा है एज एन आपका मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है पहली चीज़ तो जो चैप्टर का ही नाम है लेकिन इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सॉइल जो है वेदरिंग के प्रोसेस से रॉक ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीसीज में राइक ब्रेक डाउन ऑफ प्रोसेस की वजह से बनती है राइट अब उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं तो उन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का या आयंस का डराइव होना रॉक मिनरल से एंड देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज़ व्हाट नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन ओके देन यहाँ पर सॉयल जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है इनऑर्गेनिक सॉल्ट देन मिनरल न्यूट्रीशन राइट देन उसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइट right, एंड आपके बहुत सारे बाकी माइक्रोब्स भी जो काम करते हैं प्लांट के साथ हेल्प करते हैं उन्हें देन प्लांट को सॉरी वाटर को होल्ड करती है प्लांट को भी होल्ड करते हैं ऑफकोर्स देन सप्लाई करती है एयर रूट को राइट कॉमन सेंस की बात है बट सॉयल इज़ रियली इंपॉर्टेंट राइट देन जब डिफिशियंसी हो जाएगी प्लांट में किसी पर्टिकुलर मिनरल की क्रॉप इल्ड को इफेक्ट होगी राइट right? सो so, आप सॉइल में ही फर्टिलाइजर्स को क्या करते हो यू नो सप्लाई करते हो सो देव मैक्रो न्यूट्रियस होंगे माइक्रो न्यूट्रियट्स होंगे वो आपके कंपोनेंट हो जाते हैं उन फर्टिलाइजर्स के एंड देन सॉयल के थ्रू ने प्रोवाइड किया जाता है राइट right? सो so, ये पैराग्राफ एक्चुअल में क्यों है बिकॉज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज़ लाइक विद हाइड्रोपोनिक्स राइट सो वहाँ पर ये बताया गया कि सॉयल का इंकरेज नहीं किया जा रहा है राइट बट सॉयल इज़ वे टू इंपॉर्टेंट क्योंकि वेदरिंग का प्रोसेस इतना टाइम लगाता है तब जाके सॉयल बनती है देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सॉइल में ऑलरेडी प्रजेंट होती है जिसकी वजह से प्लांट मतलब बढ़ पाता है That's all for the chapter. Now the last video will be of all the you know micro macro nutrients and role. Okay. So stay tuned, keep on revising, keep reading NCRT and bye bye.